कि अभी मैं बिस्तर सेट कर रही हूँ, और बिस्तर सेट करते करते ऐसा हुआ मेरे साथ अचानक कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा हो जाएगा। और साड़ी में कितना मुश्किल है काम करना, आप लोग समझ सकते हैं। और देखिए अचानक मेरे साथ क्या हो जाता है यहाँ पे, और मैं वीडियो ही बना रही थी, देखिए क्या हो गया। तो कितना मुश्किल है साड़ी में काम करना, आप लोग समझ सकते हैं। पर आप लोग की ख्वाहिश के चलते मैं ये करती हूँ। तो चलिए वीडियो में बने रहे और वीडियो को फुल एंजॉय कीजिए। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए हम फिर से आ गई हूँ एक साड़ी ब्लॉग लेके। तो अभी देखिए सुबह का समय हो रहा है, तो सुबह के अभी 11 बज रहे हैं, 11:30 हो रहे हैं। तो मैंने मॉर्निंग के जो जितने भी काम होते हैं मॉर्निंग रूटीन के, तो वो मैंने कर लिए हैं। और अभी मैं घर को साफ कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे सोकर उठ गए थे और बिस्तर इसी तरह से रहता है। मैं सुबह में बिस्तर नहीं ठीक करती हूँ, जो नीचे झाड़ू पोछा लगाना रहता है वो मैं कर लेती हूँ। और अभी मैं बिस्तर को क्लीन करती हूँ, जब सारे काम मेरे फिनिश हो जाते हैं उसके बाद। कभी कभी बच्चे जल्दी उठ जाते हैं तो जल्दी भी कर लेती हूँ, कभी लेट से उठते हैं तो मैं लेट से करती हूँ। तो देखिए मैं फिर से कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, देखिए इतने सारे मेरे कपड़े, मैंने कल भी उतने सारे फोल्ड किए थे और आज भी देखिए इतने सारे मेरे कपड़े हो गए हैं फोल्ड करने के लिए, आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं ये सारे कपड़े को फोल्ड कर लेती हूँ। शूट नहीं किया था, मुझे मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी तो मुझे नींद आने लगा था, तो मैं सो गई हूँ। और अभी हो रहा है शाम का समय, तो अभी मैं जो दोपहर में लंच खाए थे उसका बर्तन मैंने साफ नहीं किया था, वही मैं अभी धो ले रही हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ छत से कपड़े उतार कर, देख लीजिए मैंने छत से कपड़े उतार लिए हैं। और अभी मैं जा रही हूँ, इसको रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए अभी शाम का समय हो रहा है, करीब 7 बज रहे होंगे। तो अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए। तो डिनर में देखिए मैं अभी बनाऊंगी मलाई कोफ्ते। तो मैंने दोनों साइड कढ़ाई बिठा दिया है, और अभी मेरा हल्दी ख़त्म हो गया था तो अभी मैं डब्बे में रख रही थी, तो मैं पैकेट वाला हल्दी यूज करती हूँ, जो पैकेट में मिलता है वही हल्दी, तो उसी को मैंने रख रही थी। और यहाँ पर मैं जो कोफ्ते तैयार करने के लिए, तो मैंने लौकी को कद्दूकस किया है, और
जो पत्ता गोभी होता है उसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो जी हाँ, मैं पत्ता गोभी और लौकी के कोफ्ते बनाऊंगी, और बहुत ही आसान तरीके से, वो भी मलाई कोफ्ता। तो आप लोग देख लीजिए मेरे वीडियो में और फुल बने रहिए। तो देखिए, मैंने जो लौकी और पत्ता गोभी, उसमें मैंने बेसन ऐड किया है, और हल्का सा जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर और नमक, और हल्का सा मैंने सोडा ऐड किया है ताकि वो फूले और जब वो रस में जाए तो वो अच्छी तरह से उसके उसके अंदर रस अब्जॉर्ब हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एवरीवन, डाल तो दिया है। देखिए यहाँ पे मैंने ये कोफ्ते डाल रहे हैं, फ्राई कर रही हूँ यहाँ पे। और इधर मैंने प्याज और टमाटर रफली चॉप कर लिया है, और अभी मैं इसको हल्का सा सौते करूँगी, भूनूंगी। इसमें कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, इसमें हल्का सा भून लूंगी ये प्याज टमाटर को। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने ये फ्राई कर लिया है, और अभी मैंने और डाला है, और ये मेरा टमाटर प्याज हो गया है सोते, तो अभी इसको मैं निकाल दूंगी यहाँ पे। इसको पीस लूंगी, मैंने रखा है मलाई, मलाई कोफ्ता बना रही हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं कढ़ाई में ऑयल डाल रही हूँ, और ये जो प्याज और टमाटर सोते होने के बाद, तो उसको मैंने निकाल लिया था अलग में और उसको ठंडा होने के छोड़ दिया है। और अभी मैं कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, और इधर मेरा कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और अभी इसमें मैं तेज पत्ता ऐड करूँगी। तो देखिए, मैं सबसे पहले तेज पत्ता डाल लूँगी। तो इस तरह से मैंने टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं तेज पत्ते को, और मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो ये हल्का सा भुन जाएगा, फिर उसके बाद फिर मैंने जो मसाले मैंने पीस के रखे हैं तो वो मैं ऐड करूँगी। तो मसाले में मैंने लिया है लाल मिर्च, सूखे वाले, अदरक, लहसुन, काली मिर्च और जीरा खड़ा वाला, और हल्का सा मैंने लिया है जो थी दालचीनी होता है वो मैंने लिया है, और जटमसी होता है वो मैंने लिया है। तो ये मैंने ताकि इसका सुगंध अच्छा है और ये एकदम बिल्कुल बाजार के जैसा लगे, जैसे होटल में बनते हैं उस तरह से। तो अभी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ हल्दी पाउडर, और मुझसे नमक का जो नमक वाला स्किप हो गया, तो मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया। और अभी मैं जा रही हूँ ये जो प्याज और टमाटर मैंने सोते करके रखे थे उसको मैं पीस ले रही हूँ मिक्सी में, तो ताकि इसका पेस्ट बन जाए अच्छा। और इधर मेरे मसाले भी भून रहे हैं, और देखिए कैसा अच्छा पेस्ट बना है टमाटर और प्याज का। और इधर देखिए, मेरे इधर कोफ्ते भी इधर तैयार हो रहे हैं। तो देखिए, मैं भी इसको निकाल लेती हूँ। हेलो एवरीवन, तो देखिए यहाँ पे मेरा अभी बन गया है, तो इसमें अभी मैंने पानी डाला है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये मैं मलाई कोफ्ता बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे कोफ्ते भी बन के हो गए थे रेडी, देखिए यहाँ पे मैंने कोफ्ते भी बना लिए हैं, और इसमें अभी मैंने पानी ऐड किया है, तो ये उबल जाएगा, उसके बाद मैं फिर कोफ्ते ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैंने मलाई निकाल के रखा था, तो ये फ्रेश मलाई है जो घर में मिल्क आता है उसी से मैंने निकाल के रखा था, तो इसको छाली भी बोलते हैं, तो वही है। तो अभी मैं इसको, ये उबल जाएगा तो फिर मैं ऐड करूँगी। तो हेलो फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे मैंने, ये मेरा उबल गया है, तो अभी मैं इसको इसमें ये डाल दूँगी। देखिए
ये ऐड कर दूंगी। थोड़ी देर उबलने देते हैं, फिर उसके बाद फिर मैं ऐड करूंगी मलाई। देखिए इसको थोड़ी देर उबलने देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा उबल गया है ये, और इसमें मैं भी डाल देती हूँ धनिया की पत्ती। देखिए इसमें मैंने मलाई डाल दिया है, और इसको मैं थोड़ी देर उबलने देती हूँ। जब थोड़ी देर उबल जाएगा फिर उसको मैं निकाल दूंगी, और मेरा मलाई कोफ्ता बनके हो गया है रेडी। तो देखिए फ्रेंड, मेरा मलाई कोफ्ता बनके हो गया है रेडी। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, जबकि ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आई और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय।